नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यण संधि। आज हम लोग यण संधि शुरू करने वाले हैं, और इससे पहले हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है यण संधि। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यण संधि में क्या होता है। तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद कोई अन्य, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री से भिन्न स्वर आए, मतलब इनसे भिन्न स्वर आए, तो ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई का या, छोटी ई और बड़ी ई का या, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ऊपरी धन उक्त, तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। ठीक है, तो ये हमारे किस में आता है? यण संधि में। ठीक है, इसी प्रकार अनु धन ए, तो ये हो जाएगा अन्वय। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके और एग्जाम्पल की। जैसे सबसे पहला हम देख लेते हैं ई धन आ, तो ये क्या बना देंगे? या। जैसे क्या ले सकते हैं हम लोग? अति धन अधिक, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। ठीक है, फिर ले लेते हैं अभी धन अर्थी, तो ये हो जाएगा अभ्यर्थी। ठीक है, और अगर हम लोग बड़ी ई और आ को मिलाते हैं तो ये बन जाएगा या। जैसे नदी धन अर्पण, तो ये बन जाता है नद्यर्पण। ठीक है, और अगर हम छोटा ई और बड़ा आ को मिला दें तो ये बन जाता है बड़ा या, मतलब इति धन आदि, तो ये बन जाएगा इत्यादि। ठीक है, और अगर हम मिला के बनाते हैं अधि धन आदेश, तो ये बन जाएगा अध्यादेश। ओके, और अगर हम बड़ी ई और आ को मिला देते हैं तो ये बन जाएगा या, मतलब नदी धन आगम, तो ये बन जाएगा नद्यागम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यण संधि के एग्जाम्पल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के कॉम्बिनेशन बच रहे हैं। जैसे अगर हम छोटी ई और ई और अगर हम लोग ऊ को मिलाते हैं, छोटी ई और ऊ को मिलाते हैं, तो ये बन जाएगा यू। ठीक है, जैसे प्रति धन उपकार, तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्युपकार। ठीक है, और अगर हम बना दें ऊपरी धन उक्त, तो ये बन जाएगा उपर्युक्त। ठीक है, इसी प्रकार छोटा ई बड़ा ऊ को मिलाएंगे तो यू बन जाएगा। जैसे वी धन ऊ, तो ये बन जाएगा व्यू। ठीक है, और अगर हम बड़ी ई और बड़ा ऊ को मिलाते हैं तो ये बन जाएगा यू। जैसे नदी धन उर्मी, तो क्या बन जाएगा? नद्यूर्मी।
ठीक है। और अगर हम छोटी ई और ए को मिला दें तो ये बन जाएगा ये, जैसे प्रति धन एक, तो ये क्या बन जाएगा, प्रत्येक। ठीक है, अगर हम बड़ी ई और ये को मिला दें तो ये बन जाएगा ये, जैसे देवी धन ऐश्वर्य, तो ये बन जाएगा देवैश्वर्य। ठीक है, अगर हम छोटा ऊ और आ को मिला दें तो ये बन जाता है वा, जैसे सु धन अल्प। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बनेगा, स्वल्प। ठीक है, और इसी तरह के ले सकते हैं, जैसे सुधन आगत, काफी फेमस एग्जाम्पल है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वागत। ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और अगर हम अनुधन ए लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अन्वय। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम छोटा उ और बड़ा आ को मिलाते हैं तो बन जाता है वा, जैसे सुधन आगत से बन जाता है स्वागत, इसमें भी यही हो रहा है। और एक एग्जाम्पल है काफी फेमस, गुरु धन आदेश, तो ये क्या बन जाता है, गुरुवादेश। गुरुवादेश, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बड़ा उ और बड़ा आ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वा, जैसे वधू धन आगमन अगर करें तो ये क्या बन जाएगा, वध्वागमन। ठीक है, और अगर हम छोटा उ और छोटी ई को मिलाते हैं तो बन जाता है वी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनु धन इति, तो ये बन जाएगा अनवीति। ठीक है, अब अगर हम छोटा उ और बड़ा ई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी, जैसे अनुधन ईक्षण, तो ये बन जाएगा अनवीक्षण। ठीक है, अब अगर हम छोटा उ और ए को मिला दें तो बन जाएगा वे, जैसे अनु धन एषण, तो ये बन जाएगा अन्वेषण। ठीक है, और अगर हम री धन आ को मिला दें तो ये बन जाएगा रा, जैसे धन अनुमति, पितृ धन अनुमति, तो ये बन जाएगा पितृनुमति। ठीक है, इसके अलावा री ऋषि का जो री होता है और बड़ा आ जो होता है, इसको मिला देने से बन जाता है रा, जैसे मातृ धन आज्ञा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, मात्रा, मात्राज्ञा, इस तरीके से। और अगर हम रीधन छोटा ई को मिला देते हैं तो ये बन जाता है री, जैसे मातृ, मातृधन इच्छा, अगर अगर हम लिखें, है ना, ई आ रहा है इसमें, इच्छा, मातृधन इच्छा, री। ठीक है, तो मातृधन इच्छा अगर हमने लिखा तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मातृच्छा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया मातृ। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।